अस्सलामुअलैकुम। तो वेलकम है आपका आयशा लाइफस्टाइल में। तो आ गई हूँ मैं आज एक न्यू वीडियो के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे इंस्टा को फॉलो करें, ऊपर आईडी नजर आ रहा होगा, और मेरे चैनल जाकर सब्सक्राइब करें। तो आज की वीडियो क्या है मैं आपको कुछ देर बाद बताती हूँ, और पहले दिखाती हूँ कि घर में क्या हो रहा है इस टाइम। चलें जी बाहर चलते हैं और ये देखें जी रंग क्या कर रहा है। सफाई सफाई कर रहा है। बाहर चलते हैं। मौसम का क्या हाल है ये देखें। स्मोक और ये पीछे पीछे आ गया मेरे। क्या करने आया है। फिर मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर। चला के मेरे यहाँ स्पेशल नाश्ता बना हुआ है, और नाश्ते से पहले मैं पीती होती हूँ अपनी मॉर्निंग ड्रिंक। तो जैसे मेरा नाश्ता बनाया उससे पता नहीं था कि पहले मॉर्निंग ड्रिंक मैं पीती हूँ और पाँच घंटा दे रहा। तो वो कौन है, वो है मैंने कौन नहीं मरी मरी मैं पहले बना दिया, मैंने ड्रिंक नहीं पी है। चले आज नहीं पीती ड्रिंक, ठीक है। चलें ठीक हो। किस दिन मैं आपको अपना डाइट प्लान दूंगी। बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं आयशा अपना डाइट प्लान बताएं। कई बार बता चुकी हूँ, पर फिक्र ना करें फिर बता दूंगी क्या है मेरा डाइट प्लान। ऐसे भी आजकल मैंने अपने आप को बहुत मेंटेन रखा हुआ है, क्योंकि मेरे पास एक राज है मैं आपको बताऊंगी। कुछ दिन जी ये है मेरा नाश्ता, और ये मरियम का नाश्ता, और ये मेरी चाय। ये मेरी चाय कहीं तुम्हारी चाय जी। नाश्ता करते हैं, उसके बाद मैंने आज कहीं जाना है मरियम। तो आज मैं जा रही हूँ बस कहाँ अम्मी आती हैं, क्योंकि अम्मी बाहर गई हैं। अम्मी को बताती हूँ और फिर अम्मी से पूछ के मैं जा रही हूँ आज कहीं बहुत ही ज़बरदस्त जगह पे। बहुत दिल कर रहा था मैं जाऊँ पर जाती नहीं थी, कोई टाइम नहीं था मेरे पास, बहुत बिजी थी। जाती तो थी पर मैं वीडियो नहीं बनाती थी, पर आज मैं वीडियो बनाऊंगी और मज़ा आ गया। आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं खड़ी थी वो देख रही थी पौधे पानी दे रही थी। अच्छा। थी ना सड़क पे बाहर वाले पौधों को पानी। तब मैं आपको कुछ बताना है क्या कि आज मैं कहीं जा रही हूँ। बस ऐसा भी चले बस नाश्ता कर लो फिर बताती हूँ, ठीक है। आप गैस करें कहाँ जा सकती हूँ मैं। तो मैं जा रही हूँ आमना से मिलने, बहुत अच्छा हो गया मैं गई नहीं। उसको नहीं बताया मैंने, उसको सरप्राइज देना है। और आमना से मिलने जा रही हूँ, और क्या कहने जा रही हूँ ये वहाँ जाके पता चलेगा आमना को और आप सबको भी। ठीक है। यहाँ मामा बैठे हुई हैं, वीडियो लग चुकी है, आपकी वीडियो आ चुकी है अनमोल की बर्थडे। बहुत ज्यादा अच्छी वीडियो गई है, बहुत पसंद किया लोगों ने। क्या कहेंगे आप, क्या राय देंगे, क्यों अच्छी बनी। मैं आपको ही बोलना चाहूंगी कि ये ना सोचेंगे कि हमारे व्यूज क्यों नहीं हो रहे, हमारा ये क्या हो गया जी यूट्यूब अब कुछ नहीं रहा, कि सबके व्यूज कम हो। अगर आप मेहनत करोगे तो व्यूज होगी ना। ये क्या अच्छा कंटेंट ढूंढें और उस पर मेहनत करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपके व्यूज कम हो। बस सब मिलके मेहनत करें और अच्छा अच्छा सोचें तो व्यूज जरूरत है। मम्मी मानी ना, जो मामला मेरे को भी ऐसा लगता था, पता नहीं लोगों को पसंद आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन बहुत पसंद। पर मुझे पूरा यकीन था मामला, क्योंकि जब आयशा सोचती ना कि वीडियो बहुत जाएगी, वो हमेशा जाती रहती है जिसमें मेहनत की हो। ठीक है। चाहे और वैसे भी अनमोल हमारी फेमस ब्रांड अनमोल, क्या क्या उसने व्यूज दिए हुए हैं सबको वीडियोज में। तो अनमोल की बर्थडे हो और व्यूज ना हो, कभी हुआ ही नहीं जिंदगी में आज तक। सिक्स बर्थडे पे भी उसको बहुत ज्यादा, मैंने सोचा हम दोनों ने सोचा मिल गई कि कौन सी उसकी बर्थडे सबसे अच्छी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव में मुझसे ये पूछा ना सिक्स। तो जब मैंने सोचा मुझे हर बर्थडे उसकी जबरदस्त लगी है, हर अपनी जगह बिल्कुल ठीक थी। कोई नहीं कह सकते कि अनमोल का फर्स्ट बर्थडे अच्छा था, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सब बेस्ट थे। और वजह क्या, अनमोल खुद अनमोल का हर बड़े बेस्ट है। और वजह तो कौन है, खुद अनमोल, अनमोल खुद वजह है उसकी, क्योंकि वो अपनी अपनी बर्थडे पे एक्टिव होती है और प्यारी बड़ी लगती है इसलिए। और साथ सेकंड रीजन मोमना, क्योंकि मोमना उसके लिए बहुत अच्छा सोचती है। मम्मी तो देखें उसका डेकोर, उसका केक हमेशा मोमना ने सोचा होता है हर साल। हाँ, तो बस ये है रीजन। और थर्ड रीजन क्या होती है वो मैं नहीं बता सकती। आयशा मोटिवेट करती है। हाँ, मोमना बेचारी सोचती जरूर है पर उसको मोटिवेट मैं करती हूँ कि मोमना मैं ये करके रहूंगी, ठीक है तुम्हारा करवा के रहूंगी है, और फिर हो जाता है। सब मिलके करते हैं अनमोल का बड़े और बहुत मजा है। अब हम सहमत देखते हैं क्या होता है।
अभी तो ज्ञान का ज्ञान है, फिर ज्ञान पे कोई नहीं सोचता, ज्ञान कोई नहीं सोचता, ज्ञान कोई सोचता कि सब अनमोल से प्यार करते हैं। मेरे ज्ञान का बर्थडे जाना, वो देखो वो कैसे, मेरा भी क्या, आपका भी, आपको भी, आपका कोई नहीं सोचता क्योंकि आपके रमजान में बर्थडे आती, कोई नहीं एक्टिव ही नहीं होता कोई है जाना, आपको बर्थडे क्यों नहीं करते सारे जाना, आपको बर्थडे कोई भी नहीं करता, क्यों क्यों ज्ञान हाँ, पर अनमोल तो हमारी पहले से ही फर्स्ट में क्या उसने किया था मोम ना, हाँ मैं तो चाहती हूँ अब दिखाती सबको कि क्या क्या लग रही थी, लास्ट ईयर दिखाया था, सब कुछ दिखाया, अच्छा बहुत मजा आया। मैं सोचा कि आज मैं ये वाला ड्रेस पहन के जाऊँ, ये वाला, ये देखें ये वाला, और बैग कौन सा लेके जाऊँ साथ, यहाँ सारे मेरे बैग्स हैं, ये देखें ये मेरी बैग्स की सारी कलेक्शन है, ये देखें, तो मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये देखें ये वाला वो वाला, ये देखें साड़ी, यहाँ सोच रही हूँ एक दो नहीं सारे सेट किए हैं मैंने इधर, और यहाँ भी सेट किए, ब्लैक तो हमेशा मैं ले रही हूँ आजकल, तो ये भी है ब्लैक के साथ, कौन सा सूट करेगा, ऐसे सूट तो ये वाला करेगा, ये वाला। जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, लाइट से मैंने मेकअप किया और कपड़े मैंने चेंज कर लिए हैं, और ये मेरा बैग है, ये मैंने चीज़ें रखी हैं, और इसके साथ आज मैंने दुपट्टा रखा है वाइट, और बस अब चलते हैं। तो मरियम आगे मेरी फुल लुक दिखाएंगे, तो मरियम देखो मैं आज ये पहन रही हूँ, जूती भी आपको नजर आ रही है, जूती मैंने यही पहनी क्योंकि मैंने पैदल जाना है, इसलिए मैचिंग हो गई है जूती, अच्छी लग रही है। चलो चले फिर जाएं आप, फिर तो मिलते हैं बाद में, आमना की तरफ, तो सबको मैं बताने लगी हूँ कि मैं जा रही हूँ आमना की तरफ, क्योंकि सब लोग भी बोलते हैं आयशा आप आमना के साथ व्लॉग बनाए, जब मैंने आपसे पूछा था क्वेश्चन कि मुझे किस तरह का व्लॉग बनाना चाहिए आयशा लाइफस्टाइल में, तो सब ने मुझे बोला कि आमना के साथ व्लॉग बनाए, ये करें वो करें, मणि के साथ, मणि के साथ भी बनाऊंगी बहुत जल्द है मणि, अच्छा तो मणि अगर बिजी होंगी क्योंकि मणि अपने चैनल में बनाएंगी पहले फिर बाद में मैं बनाऊंगी, तो मणि के साथ डे आउट कहती है आमना के साथ डे आउट कह रही, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आमना के साथ एक जबरदस्त व्लॉग बनाऊं, प्लाजे पे जा रही हूँ, देखते हैं वहाँ क्या होता है प्लाजे पे, मैं क्या करने जा रही हूँ, या फिर जाकर पता चलेगा, और आमना को मैंने बिल्कुल नहीं बताया मैं आ रही हूँ, उसको सरप्राइज मिलेगा, और इतना रेडी हो कि आज तक मैं प्लाजे पे गई नहीं, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ मणि मैं ऐसे प्लाजे पे, अगर मिलने जाना हो तो वो तो परेशान हो जाएगी यार, शुरू क्या होगा ऐसी गंदी मंदी उठ के चली जाती होती, पता ही है तुम्हें कभी कोई फंक्शन हो फिर जाते होते हैं, चले अम्मी को बोलते हैं बाय और तुम्हें भी बाय, ठीक है ठीक है, जाओ हेड से, जाओ हेड से आओ, और ना ध्यान से जाना, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक, वो मास्क लेके चलते हैं, मास्क स्मोग है, है? हाँ। मैं जा रही हूँ प्लाजे पर, बस वैसे जा रही हूँ, सब कहते हैं आयशा आमना के साथ वीडियो बनाओ, इसे बनाने जा रही हूँ, अब देखते हैं कि वहाँ जाके क्या करते हैं, फिर आपको कॉल भी करूंगी, ठीक है, ये देखे मास्क लगा के जा रही हूँ, स्मोग है आज भी है बाहर स्मोग ना, चले चले जी बाय ज़ियान, बाय नॉल, बाय अम्मी, सबको बाय बोल रही हूँ, चले चले चले, ये स्मोग है मुझे, फाइनली मैंने रोड क्रॉस कर ली है, बहुत मुश्किल था क्योंकि स्मोग है, मुझे बड़ा डर लग रहा था क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद अकेली आई हूँ, कि गर्मियों में बाहर निकलती थी तो ठंड से, तो सर्दियों में मैं आया करूँगी बस पैदल इसी तरह, तो चले थोड़ी सी देर आएगी बस पहुँचने लगी हूँ, पता ही नहीं चला एकदम पहुँच गई हूँ, हैरान हूँ, चले लिफ्ट जब मम्मी की तरफ जाती है ज्यादातर बाकियों से बात करती है, मेरे से बात रह जाती है, मैं उसके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसे मैं सोचा है कि मैं प्लाजे पर जाऊँ, बस में आ गई हूँ, लाइट तो ऑन करो, कहाँ से आप आ गई आज, बस में आ गई, वालेकुम अस्सलाम,
कैसी हो? बहुत ज्यादा बहुत ही ठीक हूँ। और मुझे पता ही नहीं चला आज, मतलब इतने अरसे के बाद पैदा आई, एकदम आ गई हूँ मैं, हैरान, थकी भी नहीं, पता नहीं तुमसे मिलने की इतनी खुशी थी इसलिए। चलो बैठो रेस्ट करो, आज आज आये कू आइए अब्दुल्ला, कैसे हो? कैसी हो? कैसे मेरा अब्दुल्ला? कैसे मेरा गुल्लू? हैरान हो रहा है क्या क्या पानी पूरी पियो आज, खाना बना रही है, बहुत मजा आया है। क्या बना रही हो? आज मैं बना रही हूँ गोभी, मैंने बनाई है गोभी चिकन। अच्छा, मैं पहले बता देती, अम्मी भी गोभी बना रही है, पता तुम्हें? पहले बता देती, कुछ नहीं होता, वैसे मैं आई, मुझे खाने पीने का शौक नहीं। मुझे ये ना पूछना कि आशा क्या खाओगी, क्या खाओगी, मैं कुछ नहीं खाती, पता ना चाहिए। जो खाने पीने का शौक नहीं है, ये देखो गोभी, ये गोभी बना, मम्मी भी गोभी बना रही है। अच्छा, और अचानक बेल हुई, मैंने कहा पता नहीं कौन आ गया, तो मतलब सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी है, अब मैं आया करूंगी। याद है जो अब्दुल्ला होने वाला था, हमेशा आती होती थी मैं पैदल, तो गर्मियों में ऐसा गर्मियों में नहीं निकला जाता था। आज मुझे पता ही नहीं चला, एकदम से आ गई हूँ, आदत पड़ गई। बस मेरा रोड क्रॉस करना मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, मैं सोच गाड़ी में आ जाऊंगी। एक बार ना मेरे साथ, पहले तो खराब थी ना पिछले साल, नहीं ये वाली रोड जो जब करना है तो ना मैंने कुछ हो गया था मणि मेरे साथ, तब से मैं डरी ही हूँ। ठीक है, मेरी जान, मेरी जान क्या कर रही है। और यहाँ मिलती हूँ अपनी एक और फ्रेंड से, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? बस आती नहीं नजर, ये देखे बस, क्या हाल है? और क्या चल रहा है? कुछ नहीं, चले, मुझे तो गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है, यहाँ ही हूँ। रस्ते में मौसम अच्छा था, रस्ते में मौसम अच्छा था, बच्चे तंग करते हैं मेरे से, तो मौका नहीं मिलता बात करने का, मैं सोचा मैं खुद ही चली जाऊँ। चलो ठीक है, मैं कहाँ रखूँ अपना बैग, चीजें हैं उसमें, वही पाला लग रहा है, ये देखो, ओहो इतना पाला। तो मैं तो बस घूम फिर लूंगी और कुछ नहीं करूंगी, ये मुझे लगा मेरा फोन, ये क्या है, ये क्या है, बैठे तो जूस तो पिए। तो यहाँ देखें जी, यहाँ मेरे लिए जूस ले, क्या यहाँ ये जूस स्पेशल, आप लोग कहेंगे बनाया मैंने, आमना आती आशा कुछ नहीं करती, क्योंकि आमना को आदत है मेरी खिदमत करना। अच्छी बात है, अब तो देखना फोन किसके, देखना जी एक और गिलास आ गई, भी गिलास मेरे लिए मैंने भर दिया है। अच्छा, भर दिया मेरे को, मौसमी का जूस है, आमना को बहुत पसंद है मौसमी। और मुझे आमना का काम क्या होता था, मुझे खिलाना और पिलाना, और मेरा काम क्लीनिंग होता है, पता है, हम मिलके काम करते थे, मजा बड़ा आता था हमने। हाँ देखिए जी, हमने आटा गूंथ रही, हमने क्यों आटा, रोटियां नहीं खाती, रोटियां खाते हैं। चल ठीक है, इतना काम करती है मेरी बहन, मुझे पहले बताती ना कुछ बना लेती तुम्हारे लिए। आमना मैंने इसलिए तुम्हें बताया, तो मेरे कुछ ना बनाया, मुझे खाना पीना नहीं पसंद, जैसे तुम कहती ना मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं खाना, जब हमारी तरफ आई होती हो, तो सेम वैसी मैं हूँ। और ये हेलो हेलो करी जा रही है, पीछे बुला रही है, हेलो हेलो कर। चले जी, यहाँ मैं रेस्ट करती हूँ बैठ पे बैठ के। और ये देखो जी, मेरी जान आ गई है, ये क्या दिखाने आई है मुझे, ये मेरी जान कहती है मैंने हाय करना है, अब हाय करना है आपने मुझे, क्यों? ये देखो मेरी कलर, कलर है मेरी जान के, ये देखो, ये देखो मम्मी को लाली कलर है, क्या आज मम्मी को लाली कलर है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्या कलर करेंगे आप? खुश हो कू आई आपसे मिलने? कितना खुश? कितना ज्यादा? चलो पहले मेरे पास आओ, अच्छे चलो किची करो, कैसे किची, कैसे करती? अच्छा कू हाल, आपको कितनी अच्छी लगती है? बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अच्छा सबसे ज्यादा कौन अच्छा लगता है आपको? साथ कू साथ मम्मा। अच्छा हाँ, और नूलापी और दूल्हा और चालक मुनी खाली अच्छी है, लोग मोलापी भी अच्छी है, मोलापी के ये मेरे कले। अच्छा अच्छा ठीक है, आज आप सारा दिन कुआ कुहाला के साथ रहोगे, ठीक है, जैसे पहले रहते थे। तो यहाँ देखें जी, आमना मेरे लिए कुछ लाई है, उसके बाद तुम्हें एक और चीज खिलाना चाहती हूँ। आज आमना ने कल मैंने ये बना के रखे हुए थे संगारे, मैंने रेसिपी बनाई थी, तो मुझे इतनी याद आ रही थी ना, दिखाओ। आयशा जो है ना, मैंने छील के सब कुछ करके रखा हुआ है, आयशा जो है ना, आयशा को बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा हुआ था कि आयशा के लिए रखूंगी, जब अगर जाना हो अम्मी की तरफ तो फिर आयशा को दे दूंगी, तो लेकिन आयशा माशाल्लाह से अभी जूस पिया आमना, कुछ जूस अंदर जा रहे हैं, मजे के, ये तो इतने टेस्टी है ना कि बंदा दिल करता खाई जाए, जूस थोड़ा सा अंदर चला जाए।
और बाहर में खाने ना रख लो। तो अमना तुम तो मुझे खिलाती रहोगी आज, ऐसा क्या हो गया खाना हर बात नहीं करे बैठे। देखो इतनी कमजोर हो, अभी तो मैंने कमजोर होना है। अब्दुल्ला से आज हम ओल अपी को भूल गई है क्यों? तो हमने मुझे बोल रही है कि जिद कर रही है कि आशा भी खा लो, टेस्ट करो, ये टेस्ट करो। नमक भी लगा लेते हैं, लगाऊं काला नमक? बड़ा मजा आता है, हमें इससे वेट नहीं बढ़ता। ये बहुत अच्छे हैं सेहत के लिए, इसे खाया करें। मुझे पहले नहीं पता था, आयशा को बहुत पसंद होते, मुझे इतना पसंद नहीं थे, लेकिन जब मैंने इसके बेनिफिट सुने हैं ना कि इसके कितने फायदे हैं, तो फिर मुझे लगे अच्छे लगे हैं। छुट्टी होती थी ना स्कूल से, मैंने बताया, मैं भी बता रही थी जब छुट्टी होती थी ना आयशा स्कूल से लेके जाती होती थी छुट्टी। बहुत ज्यादा खाने पीने का शौक होता था हमें, खत्म हो गया शौक। ये रखो मेरे पास आ रही है, चलो कपड़े दिखाती है अपने। प्रति मेरे साथ मैच हो रहा है बैग, ये कह रही है बैग मैच हो रहा है, ये देखें बैग मैच हो रहा है, कह रही कितना इसे पता है। बैग मैच हो रहा। चलो कितना पाला लग रहा है मेरा खाता। देखें जी आज मुझे बोल रही है कि ये कू, ये देखो मेरी चीजें, ये आपके भी इस तरह की बोतल है। हाँ। और ये लंच बॉक्स और ये ज्योमेट्री, ये क्या कलर और बैग? अच्छा आप स्कूल में साथ लेके जाते हो? हाँ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ, ये बोतल और साथ ये लंच बॉक्स लेके जाती है? हाँ, जाती है। कुछ खाना खाती है उधर? हाँ। फिर वापस ले आती है, क्या क्या लेके जाती है? थोड़ा सा लेके जाती है। क्या इधर से जाती है? और अच्छा आपको डर तो नहीं लगता स्कूल में? नहीं। मजा आता है? हाँ। फ्रेंड्स अच्छे हैं? अच्छा। हाँ। और टीचर्स? हाँ, टीचर क्या अच्छा यहाँ देखे आमना रोटियां बना रही है। तो आमना मुझे कब इनवाइट करेंगे आप किचन में? आप आज आपके लिए जबरदस्ती आपने रेसिपी मुझसे रिक्वेस्ट की हुई है, वो मैंने आपके लिए बनानी है, और आप आए और आप लास्ट तो पता ही है विंटर स्टार्ट हो चुके हैं, आशा आती जाए करेगी। यस, गर्मियों में बहुत कम आती थी क्योंकि बहुत गर्मियों जैसी ना यार, फिर भी आती थी मरियो के साथ आई नहीं थी एक बार गर्मियों में ना। अब मैं आराम से आ जा करूँगी, अब मुझे आदत पड़ गई है फिर दोबारा से, जैसे लाइट टाइम पर देखती हूं। ये भी ऐसे करती है, बिल्कुल मोल भी ऐसे करती है, आटा बनाना आपका बेलन, बेलन भी होता है इसका, आपको बेलन है? अच्छा अपना बेलन ले। अब मुझे नहीं याद कि मैं ऐसे होती थी, बेलन होती थी, अम्मी से पूछूंगी। चले हमने कहाँ गए आप बताओ, संगारे कहाँ गए आप? मेरा दिल कर रहा है, आप मेरा दिल कर रहा है, मैं संगारे खाऊं। चले कहाँ गए? वो बॉक्स में है, ये चॉकलेट्स के बाद ये। चलो ये चलें जी, मैं सिंगारे इंजॉय करूंगी, आप वो भी रोटी खाना, मैं सिंगारे को सिंगारे खाऊंगी। अभी नहीं ना, पका के रख दूँ ना, एक पका के रख दूँ क्योंकि रात में तुम्हारा फेवरेट कुछ बनाना है। अच्छा ठीक है, बताइए छोटी सी रोटी बनाना, छोटी सी तो पता है मैं दो टाइम खाती हूँ, ये मसला। अब मुझे पता है हमें भूख ज्यादा लगती है कि नहीं लगती, मैं तो ही जाती हूँ कम लगे, ग्रीन टी पीती हूँ, ग्रीन भी है। तो आज मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ, आज अंदर कोई टेंशन में नहीं, आज बहुत खुश है क्योंकि मैंने अपना शूट कंप्लीट किए हैं, कितने भी हैं शूट, मैंने कल भी शूट किया। अपने जी संगाड़े मैंने खा लिए, बहुत मजा आया। नूरापी आप भी आज आज तो यहाँ मैं बैठी हुई आमना के साथ, मुझे बातें करने का मौका मिल रहा है, और बीच में हमारे क्या आ गया ये फोन, घर में सारे आ जाते हैं जब आमना रहने आती है, मुझसे बात करने का मौका मिलता है। अभी फोन पकड़ा है बस। नहीं नहीं ये नहीं पकड़ना, आप बता जब आमना मैं और आमना रहते थे, हम दिन में ना काम करते थे आमना, मतलब रेसिपीज बनाते थे, रात को बातें करते, जब हम सोते थे तब बातें करते थे। और ना मरियम जो थी ना, उससे ना मरियम तब नहीं थी, पहले की बात कर रही बचपन की, वो तब तो छोटे से थे। हाँ, तब मैं बातें करती थी तो मरियम कहती मेरी नींद खराब हो रही है, मेरी नींद खराब हो रही है, तो ना बस ये था। और जब मरियम की शादी होगी तब हमारे बीच में कोई नहीं होता था, हम दोनों बातें करते थे,
और आज मैं कह रही हूँ आज मौका मिला मुझे बातें करने का। आयशा ने खाना भी अभी तक खाया, मैंने खाना भी खा लिया। इतना प्यार करती है मेरे से, खाना तो खा, कभी कभी नहीं, इतना प्यार करती है कि मैं ना पावर हो जाती हूँ, जैसे आज मैं इतनी इज्जत हो रही है। मैं तो करती हूँ आयशा को लग रहा है, टेंशन में होती है ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ टेंशन में रहा करो, आज देखे फेस करता अच्छा लग रहा। मैंने इसे समझाया कोई जिंदगी में तो टेंशन नहीं, बच्चे तंग करते हैं ना, वहाँ पे जाऊँ ना तो बच्चे भी तंग करते हैं। अपने घर में ना आराम से बैठे रहते हैं कोनों में, और एक सोया रहता है, एक खेलती रहती है खुद ही बाहुद। अगर किसी के घर जाती है ना तब बहुत तंग करती है। तो बस मैं यहाँ मौका मिला अपने दिल की बातें करने का, आमना को अपने दिल की बातें। तो मुझे कहती खाना खा लो खाना, मैं आयशा को कह रही हूँ आयशा इतना टाइम हुआ 4 बजने वाले, आपने खाना भी नहीं खाया। मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, इतना प्यार करते हो। पहले नहीं करती, तुम करती हो जैसे तुमसे करती हूँ, मैं मजबूर हो जाती हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो, मैं क्या करूँ। वो आ गई है, मेरी गुड़िया भी आ गई है। ये गुड़िया जो है ना ये बड़ी हैप्पी है कि खाला आई हुई है। कहते हैं कि सब कहते हैं कि आशा तुम ना आमना से बहुत प्यार करती हो, आमना तुमसे नहीं करती। मैं आपको कैसे बताऊँ, अगर आमना मुझसे प्यार ना करे तो मेरे मुझे किस पागल हूँ जो मैं उसके पीछे जाऊँ। आशा जब उससे प्यार करती है जो उससे प्यार करता है ज़्यादा, मतलब मुझे तो प्यार आमना से है क्योंकि आमना इंसान बहुत अच्छी है, ये बस रीज़न है ना। तुम वो ये दे फिर आ गई कुआ, ये इधर आ जा मेरे पास। कू घर साफ रखा, गंद भी नहीं डाल रही। कहती कू के आयत का घर इतना गंदा है ऐसे ही ना, वरना तो सारा दिन इसने ना चीजें ऐसे खिलौने ऐसे ऐसे बिखरे होते हैं। अब क्या करना फिर, हम मेरी बात खाना खाओ आप। मुझे ना ढोल चाहिए, फिक्र ना करे, नेक्स्ट मंथ जो है ना कू कू खाला ना आपके लिए ढोल लेके आएगी। ठीक है ठीक है, इतनी ज्यादा डोल है ना फिर भी कहती मुझे कू डोल चाहिए। पहले भी कभी डोल मिली आपको? फिर अभी इतनी अच्छा, मैंने कू की डोल तो लेकर जो कू ने आपको डोल दी थी। मुझे मैसेज आती है तुमने ना आयत को ना बर्थडे गिफ्ट ने अच्छा दिया। मैं आपको कैसे बताऊँ मैंने कितना अच्छा गिफ्ट उसको दिया है। बहुत अच्छा गिफ्ट है लेकिन मैंने संभाल अब मैं गोल्ड शोर नहीं दे सकती, मेरे पास इतना नहीं है बच्चों के मैं गोल्ड दूंगा। हम ना मुझे कहते तुम गोल्ड हो, ये करो वो करो। वैसे अल्लाह का शुक्र उसके पास सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मेरे बच्चे के पास सब कुछ है। पर जब अनमोल कह रही थी तब मैंने गोल्ड की रिंग दी थी, स्टड दिए थे। अच्छा हाँ मैं भूल जाती हूँ, ये देखें जी ये डोल है ना आपके पास, ये पूरी पसंद की थी आपके लिए। और उसको याद है ये मोलापी लेके आई थी, उन मोलापी ने आपको गिफ्ट की थी। ठीक है और भी बताओ, अब आपको डोल चाहिए, बस डोल चाहिए होती है आपको। डोल अच्छी, दो दिन का शौक होता है उसके बाद भूल जाती है। ठीक है एक बात बताऊं, ये ना जब जब ये रोती नहीं ना मुझे इतनी अच्छी लगती है, और जब ये रोती है ना बहुत बुरी लगती है। खुश रहे ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है खुश रहेगी ना, कूद खुश देखना चाहती है तुझे हमेशा। ठीक है और मुझे ना अच्छे बच्चे वो लगती हैं जो चुप रहे तांग ना करें, जैसे आपकी मम्मा थी बचपन में। हाँ, भी बच्चा भी रोती होती थी, याद है छोटी थी बहुत इसकी जितनी थी। हाँ, रोती थी थे। आपको भी याद है पर कोई बात नहीं, आना थोड़ी सी बड़ी होगी ना 5 साल के बाद ठीक हो जाएगी, तुम्हारे जैसे हो जाएगी जैसे तुम थी है। मैं भी बड़ा रोती थी बचपन में। हाँ, याद है मैं। हाँ, अम्मी कहती थी सारा दिन इसका सुबह से इसका रोना शुरू होता रात को। 5 साल तक रोई, उसके बाद नहीं, 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 उसके बाद तुम रही बस 3-4 साल की थी। अम्मी मुझे बताती है बड़ा आज इतने अरसे के बाद अब्दुल्ला के बाद अब तुम हम मिले हैं दोनों सही, जब से अब्दुल्ला पिछले साल तो ये था अब्दुल्ला हुआ था ना, दूसरे साल बातें नहीं होती थी, मैं लेटी रहती थी बीमार। अच्छा बस और अब बड़ा बातें खाना खा लो, बातें सुननी पड़ती है ना। मैं ना चमची हूँ तुम्हारी, और कहने तो कहते हैं मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को, हमारा रियल लव है, रियल लव होता है ना कोई बगैर अनकंडीशन लव। बचपन से मेरा प्यार है, छोटी प्यार मतलब पाला हुआ है मुझे आमना को। तो आमना को बहुत लोगों से प्यार है पर ना मुझे सिर्फ आमना से प्यार है ज्यादा, और आपको पता ही दूसरा और किससे है। तो चलिए जी, जैसे अम्मी मेरे लिए खाना लेके आती हैं, आशा खा लो खा लो, यहाँ मेरी कोर अम्मी आई हैं जो कहती हैं आशा खा लो। टाइम कितना हो गया मुझे नहीं पता चला, 4 बजे हैं। तो देखें मेरी अम्मी ने फिर कहना है कि आशा ने कुछ खाना, हर वक्त मेरे खाने के पीछे होते हैं सालन। थोड़ा सा साथ टेस्ट करती हूँ कैसा बना, और ये रोटी है ये रोटी इतनी हमना, फिर ये बस ये इतनी आधी खाऊंगी, बहुत तुम्हें इतनी सारी रोटियां रख दी हैं। बचा खा लेना ना, छोड़ लेना नहीं खाने। चले मैं टेस्ट करने लगी हूँ कैसे बनी है गोभी, अरसा हो गया गोभी नहीं खाई आमना के हाथ के। हाँ करेले बहुत मजा बनाया था हमने। चलो खाओ फिर खाना।
आमना मुझे बोल रही है कि एक चीज मुझे दिखानी है उसने, बड़ी स्पेशल। जल्दी से खा लो क्योंकि अच्छा हम मैं इतनी खुश हूँ, आप मुझे बताए ना, मुझे दिल से पता चल रहा तुम खुश हो, क्या रीजन है आप आई है इसलिए। ऐसा नहीं हो सकता तुम खुश हो, कोई बात बताओ खुशी क्यों है। यही बात है आप आई हो, खुश हो गई हूँ मैं। अच्छा गर्मी नहीं है? हाँ मौसम अच्छा है ना, मौसम गर्मी में बड़ा मसला हो जाता है। मेरा सबसे बेस्ट मतलब मेरा फेवरेट मौसम है जिसमें ना मतलब ना पंखे की जरूरत होती है ना ही हीटर की जरूरत होती है। बस आमना तुमने इस तरह खुश रहा करो, खाना खाए जब मेरे पास आता है तुम खुश हो तो मैं टेंशन फ्री हो जाती हूँ तुम्हें। अगर तुम खुश हो गई ना तो मैं फिर मैं भी खुश रहूंगी। चलो ठीक है दोबारा से खाने लगी हूँ। तो पहले तो मैंने आशा जिसमें आपको जूस बना के दिया मैंने ये लिया एक जूसर। अच्छा मैं लेके आया था मेरे लिए। अच्छा और मुझे ना ये सारी चीजों का बहुत शौक होता है जब तुम मेरे पास होती थी, क्योंकि आमना काम से बनाना मेरा काम से चीजें लेना। अब मैं क्या करूँ चीजें लोग मुझे बना के कौन देगा, इससे मैं लेती नहीं अब चीजें। फिर भी दूसरे लिया बना के लेती, फिर भी वो बिजी होती हैं बच्चों के साथ, मैं किसी को तंग नहीं करती है ये करो। तुम तो मेरा हर काम बुक कर देती थी ना, मुझे मुझे कहना पसंद नहीं है, मैं कैसे तुम्हें तंग करूँ, उनको इतना काम होता है वीडियो एडिट करना, इतना काम होता है। अच्छा ये दूसरा है मेरा जो मैंने ब्रांड लिया मेरे लिए। कैसा इसका कहा है इसका ये है और बाकी दूसरा और बाकी जो है ना इसके ऊपर ये दो है ना अभी मैंने जूस भी बनाया। अच्छा कितना बन सकता है इसके अंदर बनता है बस ये है? हाँ इसमें आता है, इसमें दो ग्लास बनते हैं। किसमें? इसमें। अच्छा इसमें ये एक मांग रही है कितना बड़ा है? छोटा सा है? नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें आ जाते हैं दो ग्लास आराम से बन जाते हैं। और एक जो बहुत जो मेन चीज है ना जो मैं आयशा को भी कह रही हूँ मम्मी के लिए लो, घर में होनी चाहिए प्यारी सी छोटी सी। दिखाओ कैसा है चोपड़ी चोपड़ वो बहुत बड़ा है हमारे पास याद है। ये इसका हैंडल है। अच्छा लग से है ये ऊपर लगाते हैं। हाँ और ये ग्लास का बना हुआ है। अच्छा ये ग्लास का तो वो जो हमारे पास है वो पहला वाला वो ये ग्लास के नीचे से ये ग्लास है ठीक है। अच्छा। और इसके ऊपर ये लगाते हैं तो फिर जाके वो कीमा वगैरह। अच्छा ऊपर लगाना पड़ता है? लगाते हैं बस ऊपर हैंड। कैसा है वैसे दिखाओ? डर नहीं लगे टूट जाए? ये इसके इसके चार ब्लेड हैं ठीक है, सही चलते हैं बिल्कुल ठीक है, तेज है तेज ब्लेड हैं इसके। अच्छा एक कीमा हो जाता है फटाफट जबरदस्त उसका बीफ का करो जो तुम पहले यूज करते थे उससे ज्यादा अच्छा है ये। मेरा जो शादी का था ना वो छोटा सा है ये मैंने नहीं वो भी अच्छा था वो भी अच्छा था लेकिन वो छोटा था वो ना बड़ा जरा पूरा उसके साथ था ना मतलब वो पूरा पूरा उसका सेट था और ये जाइए लगा है। तो हमने इसकी प्राइस क्या है? इसकी प्राइस मेरे हाल से ऑनलाइन 7,000 होगा बस इतना। और मैं तो कैनवुड का मुझे 15,000 का मिलता है इतना सा चौपड़ वो। अच्छा हाँ पता नहीं मेरा तो ये 7,000 का है। अच्छा वो 12-15,000 का चौपड़ है लेना चाहती थी छोड़ रह जाता था मेरा। इसमें रख दी मैंने ये मैं ना मतलब 15 साल से लेना चाह रही हूँ कि 15 साल के 8 साल नहीं, नहीं अच्छा 8 साल से तकरीबन हम लेना चाह रहे थे लेकिन कुछ ऐसा होता था ले ही नहीं पाते। मैं मना कर देती थी कि नहीं अभी कुछ और कर लेते हैं ये बहुत महंगी है। कितने की है अब ये हमने लिया हुआ है ये मेरे हाथ से 18 की थी। अच्छा बड़ी पसंद थी हमने। प्लीज फिर इतना बकरा ईद पे तुम अच्छी अच्छी रेसिपी बनाना ठीक है, क्यों बकरा ईद पर लेना चाहते थे मुझे इसकी बहुत जरूरत थी। और ये ड्रीम तो मेरा था, मैं हमेशा कहते थे तुम नहीं था नहीं था तुम मना कर देते थे अगर तुम चाहती तो कभी ना होता कि हमारे पास होता। मैं सोचती थी क्या करना है इतना मतलब इसके अभी मैं इसके आगे हम कुछ छोड़ ले देते थे। हाँ जब तुम बकरा ईद पे गोश्त आए ना हमारे पास तो उसको ना अच्छे से ना ड्राई करके उसका कीमा बनाओ खुद ही बनाओ हाथों से हाथों में वो जबरदस्त बनेगा तो हमेशा ही रह जाता था। पर मैं बहुत खुश हूँ हमारे को सब कुछ आ चुका है अप्लायंस जितने भी तुम्हारे पास कुछ रह तो नहीं गया अभी भी अभी ये भी आ गया एयर फ्राई देखा एयर फ्राई भी है सब कुछ है। अच्छा आयशा को बहुत शौक है एयर फ्राई में कुछ खाने का तो आयशा आप क्या खाओगी मतलब बना नगेट्स खाने हैं एयर फ्राई में ठीक है। ये सारे शौक मेरे और आमना ने ले लिए मतलब आमना को पहले आमना को क्या शौक होता है पता मैं आपको बताऊंगी आमना को किस चीज का शौक होता है थोड़ी देर बाद बताते हैं आपको आम लोग किस चीजों का राज शौक होता था पहले खाना हजम कर लिया इसमें इतना प्यार था मेरी आंखों में आंसू आ जाते इतना उनको ऐसे कहते इसमें कभी दिया नहीं नहीं हमेशा तुम बीमार होते थे तुम जब भी मैं आती थी मैं हैप्पी हूं ना सुकून है आज। हाँ बच्चे भी आराम सोए हुए हैं जो बहुत मजा आ रहा है बहुत। तो यहाँ मैं चॉकलेट खाई है आज मेरी चॉकलेट लेके आई बहुत मजा आया चॉकलेट खा के। और यहाँ आज को पता चला गया देखे मेरे ये फिंगर यहाँ चोट लगी है था पता नहीं मेरी चोट लगी है। आप क्या क्या मुझे समझ नहीं आई आप गिर गई थी। हाँ। हाँ।
यहाँ हम बैठ के इंजॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चे मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, इतना प्यार तो मैं करती हूँ एक हाला के तौर पर एक कि देखिए इतना प्यार करे, मुझे ऐसे देखते हैं कि मेरा प्यार भर जाता है, क्या करूं। और आमना कह रही तुम कैसी बात कर रही हो, मैं ये बात कर रही हूँ कि जैसे मैंने आपको कही हुआ कि मुझे सबसे ज्यादा प्यार किससे है, पर आमना से, पर आयल भी मुझे इतनी प्यारी है क्योंकि वो इतना प्यार करती है, देखें तो मैं मजबूर हो जाती हूँ प्यार करने पर और ज्यादा इतना पाल। और ये देखें जी अब्दुल्ला, ये जो अब्दुल्ला है ना, ये अब्दुल्ला को देखें जरा, ये अब्दुल्ला मुझे ऐसे देखता है, ऐसे देखता है, गौर से देखता है, और इतना मासूम है, मैं कहती हूँ इससे दुनिया में कोई मासूम है देखा ही नहीं, ये कहती बहुत तेज है, बड़ा ऐसे है, पर मुझे इतना मासूम है दिखाना। दो दो उसकी चीज, दो उसकी चीज, दो अब्दुल्ला इधर देखो, इतना मुझे देखता क्यों, बस ये तो बताओ, ये देखो लड़के है छोटा भाई आपका, आपको पता नहीं है, आप ऐसे बड़ी बहन हर चीज देती है, देखो ये देखो मेरा काका इता बोला, ठीक है ना, ये आया था, मैंने ज्यादा प्यार आय से किया है, लड़कियों ज्यादा प्यार के, ये देखे दुला का हुआ वो परेशान हुआ, मैंने चुप करा दिया था, परेशान हो रहा है, कौन है, खाना खा रही थी ना, वहाँ देखो जलसी, मुझे दोनों मेरे से चुप हो जाती हैं, जब आप शुरू करती थी ना रेसिपी, इनको संभाला मेरा काम है, मेरी बात मान लेते हैं दोनों, पता है आपको, देखो दुल्ला भी चुप हो गया, नूर बोरी थ्रू होगा, नहीं नूर नहीं हो सकता, ये बचपन मेरे पास आता था जब छोटा था, जब छिले में था ना, मैं पकड़ता था चुप हो जाता था, बोलाओ कब चलेगा, कब मुझे बताओ कब चलेगा, आप मुझे छोड़ो तो मैं चल जाऊं, हम छोड़ते नहीं इसको, वैसे इसके कलर बड़ा सूट कर रहा है ये वाला लाइट पिंक, हाँ आज बड़ा प्यारा लग रहा है, देखी जा रहा है क्या है? देखी जा रहा है कौन, आपको नहीं पता बड़े के पास चल जाएगा कौन हूँ चलो कब दिखाओगी क्या चीज जो मेरी और तुम्हारी फेवरेट है, जब ये जो मैडम है ना ये कहीं दूर सोएगी ना, फिर अभी तो देखो एक्टिंग देखो तो इसकी चल रही है, लेट हो रहा, फिर मैं चलती हूँ, नहीं नहीं आयशा आपने कहा जाना, कू चली जाए आयत, ये देखो देखो नहीं जाए ना, जब कू के पास जा, कू को मुझे नहीं जाना, आप ना जाओ, मैं जा रही हूँ, क्यों आप मेरे हाथ कर लो, क्या करो आप मेरे घर लो, ओ माय गॉड, वो कह रही आप मेरे घर में रह लो, वो भी देख रहा, वो कह रहा इधर ही रह, ये मुझे इसी को देखता है, मुझे बता दो नूर, ये मुझे ऐसे क्यों देखता है, आए क्यों ना जाए घर, वो घर ना जाए, नहीं इधर रहे, हाँ किसके घर में, मेरे घर, चलो उसने कह दिया आप रहना पड़ेगा आपको, कू नहीं और मैं चलती हूं, कुछ नहीं होता, कल की बात है, कल चली जाना, आज रह लो रात, वो बहुत हैप्पी है, आयशा कल चली जाना, कल हम तुम्हें छोड़ेंगे, कल हमने भी जाना है ना, तो हम रास्ते में छोड़ेंगे, चलो वैसे भी मौसम अच्छा है, मैं ना यहाँ टाइम मौसम बड़ा, मुझे बड़ी गर्मी लगती थी प्लाजे में, गर्मियों में बहुत मुश्किल था रहना, ज्यादातर अनम आई थी फिर भी रही थी मैं, पर गर्मी थी फिर भी मैं उसके साथ मैंने एंजॉय कर लिया था, अब आयत के साथ कर लो, आयत कह रही है इधर रहोगे, मैं यहाँ स्टे करूंगी प्लाजे पर, तो मेरे साथ रहोगे ना, आयत आयत आज कू के साथ दिन सारा दिन स्पेंड करेगी है ना, रात सारी रात, सारी रात, ठीक है, ये तुम्हें भी पता, नूर जब दुल्ला पैदा होने वाला था मैं यहीं रहती थी, तो ये मेरे साथ होती थी, यही मम्मा पापा को छोड़ देती थी, कहती मेरे कू कू को साथ सुनने, इतना प्यार करते थे, और ये तो मैं कहती पता नहीं क्या हो गया, देखी जा रहा है।